एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस सब्ज़ी को एक जादुई सब्जी बोला जाता है, क्योंकि ये इतनी फ़ायदेमंद होता है कि क्या बताऊँ। यह सब्जी पोषण का पावर हाउस कहलाता है। यह स्किन, बालों या फिर पाचन में बहुत ही सहायता करता है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी बेस्ट है। तो आइए बनाते हैं सूरन की सब्जी। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच मस्टर्ड के दाल यानी सरसों के दाल को और हाफ चम्मच जीरा को भिंगो कर रख रही हूँ। भिंगोने के बाद जो आप पेस्ट बनाएंगे ना, वो बहुत ही फाइन पेस्ट बनकर तैयार होता है। तो आप इसे 5 मिनट पहले भिंगो कर रख लें, उसके बाद आप इसे ग्राइंड करें। इसमें मैं 2 रेड चिली भी डाली हूँ। और जब तक वो हमारा शोक हो रहा है, जब तक मैं इधर सूरन को काट ले रही हूँ। इसके पहले छिलके को उतार ले रही हूँ, और फिर थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैंने इसे बिल्कुल सर्कल के शेप में काट ली हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद किसी भी शेप में काट सकते हैं, शेप तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। बस बच्चों को अट्रैक्ट करने, बिल्कुल नई सब्जी की तरह दिखने के लिए ही मैंने सर्कल में काटा है। तो देखिए, आप किसी भी कुकी कटर से काट सकते हैं, या फिर आप नाइफ से भी अपने मनचाहे शेप में इसे काट सकते हैं। पहले आप इसके छिलके को उतार कर, फिर अच्छे से वॉश कर आप इसे काट लें। और जो इसके साइड वाले पार्ट्स हैं ना, हम उन्हें भी फेंकेंगे नहीं, वो भी मैं फ्राई करके ही ऐड कर लूँगी। और फिर जो सबसे छोटे छोटे टुकड़े हैं सूरन के, वो मैं मैश करके ग्रेवी में डाल दूँगी, जैसे हमारा ग्रेवी भी थिक हो। और साथ ही मैं इसे फ्राई कर ले लूँगी। फ्राई आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर करें, और फिर जब कलर आने लग जाए, और फिर उसे आप लो फ्लेम पर फ्राई कर लें। बहुत ही जल्दी, बिल्कुल आलू के जैसे बहुत जल्दी पक जाती है। इसमें आप थोड़ा सा 1 पिंच नमक डालकर फ्राई कर लें। और जब तक इधर हमारा फ्राई हो रहा है, उधर हम मसाले की भी तैयारी कर लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए मैं एक छोटे साइज का प्याज, एक छोटे साइज का टमाटर, और फिर 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स की दाल, और 1/2 चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च डालकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब तक मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जब तक आप फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को खूब सारा शेयर करें, लाइक कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो देखिए, हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, और एक पैच हमारा फ्राई होकर भी तैयार हो गया है। तो जैसे ही ये फ्राई होगा, तो फिर आप जो इसके साइड वाले पार्ट्स हैं, उसको भी फ्राई कर लेंगे। सूरन की सब्ज़ी तो कई तरह से बनाते होंगे, लेकिन यह तरीका बिल्कुल बेस्ट है। आप एक बार इस तरीके से सूरन की सब्ज़ी बनाइएगा, और फिर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको यह सब्ज़ी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं अब इस पेस्ट में 1 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, साथ ही 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़े से गरम मसाला डालकर उसी पेस्ट में अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इसी कलर का बिल्कुल इसी तरह हमें फ्राई करना है। और सेम कढ़ाई में, उसी ऑयल में हमने लाल मिर्च का छौंक लगा दिया है, साथ ही 1/2 चम्मच जीरा भी डाल दें। जीरा का तड़का इस सब्ज़ी में बहुत ही अमेजिंग आएगा, तो आप ज़रूर ही जीरा और लाल मिर्च का ही छौंक लगाएं। और उसके साथ ही मैं 1 मीडियम अनियन को बिल्कुल फाइनली चॉप कर ली हूँ, वो डाल दी हूँ। और इसे हमें अब गोल्डन फ्राई करना है। यहाँ पे आप अभी फ्लेम हाई रख सकते हैं, और जैसे ही प्याज में कलर आने लग जाए, आप फ्लेम बिल्कुल ही लो कर लें। और हमें देखिए, इतना प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई हो जाए गोल्डन, उसमें हम तैयार किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। और अब हम फ्लेम बिल्कुल ही लो रखें, और साथ ही आप इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लें, और इसे तेल छोड़ने तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दें। मसाला जितना अच्छा भुनेगा आपका, सब्ज़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। इस मौसम में आप अगर इस तरह से सब्ज़ी बनाकर खाएंगे, तो खाने वाले आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगे, और आप खुद भी इस सब्ज़ी के फ़ैन हो जाएंगे। तो देखिए, मसाले से तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आपको जिस कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए, आप उतनी पानी ऐड कर लें। पहले हम इसमें फ्राई किया हुआ सूरन ऐड करेंगे।
देखिए कितना लाजवाब कलर आया है ना, बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनता है। आप एक बार ज़रूर इस तरह से सरसों के दाल के साथ सूरन की सब्जी बनाएं। आप कई बार बनाए होंगे सूरन की सब्जी, एक बार मेरी रिकमेंडेशन है आप ज़रूर इस तरह से सूरन की सब्जी बनाएं, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। मुझे यकीन है आप देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस रेसिपी को बनाने से। देखिए कितनी अमेजिंग और टेस्टी दिख रही है ना हमारी सब्जी। अब मैं इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। स्वाद का हमेशा ध्यान रख के जब भी आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं तो हमेशा गर्म पानी का ही यूज करें, जिससे आपकी कलर सब्जी की कलर बहुत ही खूबसूरत आएगी और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब आएगी। आप एक बार ठंडे पानी से सब्जी बनाकर देखिए और एक बार गर्म पानी से, खुद ही डिफरेंस आपको पता लग जाएगा गर्म पानी क्या मैजिक लाता है ग्रेवी वाली सब्जी में। बस आप उतना गर्म पानी ऐड कर लें और एक बॉयल आने तक वेट करें। और अभी मैं इसमें एक ट्विस्ट का तड़का बताने वाली हूँ आगे वीडियो में, आप पूरी वीडियो देखते जाएं। आप बहुत ही इजीली यह परफेक्ट रेसिपी बना पाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी में एक उबाल आ चुका था, अब मैं इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स से डेकोरेट कर लूँगी और फिर इसमें डालूँगी अब मेथी दाना का पाउडर। यहाँ पे मैं रोस्टेड मेथी दाना का हाफ टी स्पून पाउडर डाली हूँ। यहाँ पे हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी मेथी पाउडर यूज करें तो गैस स्विच ऑफ करने के बाद ही करें, नहीं तो वह कड़वापन सब्जी में ले आता है। तो हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, हमने गैस बंद कर लिया था। अब मैं इसमें मेथी दाना अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और देखिए हमारी सब्जी कुछ इस तरह कितनी अमेजिंग बनकर तैयार हुई। आपको भी देखकर बनाने का मन हो रहा है ना, तो फटाफट बनाइए इस रेसिपी को और ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे रोटी चावल परांठे किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए, लेकिन इस सीजन में एक बार ज़रूर इस सब्जी को आप बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।